एवरीवन, फायर मीडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। बसो कल्याण तालुके के गढ़ीगढ़ गांव के सुनील बिरादर, जो पिछले 15 साल से कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, आज इन्होंने कांग्रेस से रिजाइन देकर बीजेपी में शामिल होने की आशंका जताई। मैं तकरीबन 16 साल से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूँ और 2007 से भी कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूँ। 2008 में मुझे सबको टिकट मिला, जब हुलसूर क्षेत्र नया आया होता, जोड़ासो था, तो आने के बाद कांग्रेस पार्टी की हालत वहाँ बहुत खराब थी, फिर भी हम कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें और मुड़े साहब को हमारे गांव से हम जितने हमारे को जिम्मेदारी दी वहाँ लीड दिए। बाद में 2009 में धर्म सिंह साहब का काम करे, जब धर्म सिंह साहब को हम मिले तो धर्म सिंह साहब बोले कि तू मराठा है, मैं मराठा के मुंडे से बिलोंग करता हूँ, तू मराठा है, मुड़े मराठा है बोल के तुम मुड़े साहब को लीड दिए होंगे, तुम मेरे को पैसा देते बोले तो मैं भी क्षत्रिय हूँ, तुम भी क्षत्रिय है, तुम्हारे को कोई लीड देते बोल के धर्म सिंह साहब को मैं खुद अकेला गढ़ीगढ़ में काम करते लीड दे सो रहा हूँ 2009 में। उसके बाद 2013 में बी नारायण साहब का काम किया, 2018 में बी नारायण साहब का काम करते हम मिले थे। अब उसके बाद नारायण राव साहब का देहांत होने के बाद भी हम कांग्रेस में जुड़े रहे और कांग्रेस का काम हम करते रहे। आज जो कांग्रेस में परिस्थिति है, आज जो कांग्रेस के लिए हमारे को रहने के लिए पॉसिबल अच्छा जगह नहीं लग रहा है, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण भी है। कांग्रेस पार्टी में माला बी नारायण राव को टिकट देना था, इसके वजह मैं रिजाइन करने की वजह माला बी नारायण राव को टिकट नहीं दी बोल के मैं कांग्रेस को रिजाइन कर रहा हूँ। और दूसरी वजह, अब जो परिस्थिति है कांग्रेस पार्टी में, जो लोग अब कैंडिडेट के जो लोग हैं वो हमारी लोकल राजनीति हमारी खत्म करने का सोच के हमारे गांव में हमारे विरोधियों को बल दे रहे कांग्रेस वाले, ये कांग्रेस वाले कुछ खत्म करना बोल रहे हैं। तो हम छोटे लोग हैं, हम ग्राम पंचायत तालुका पंचायत झड़पी पंचायत करने वाले लोग हैं, तो हमारी राजकीय बचाने के लिए हम कुछ ना कुछ करना पड़े, कांग्रेस वाले हमारे को खत्म कर रहे हैं, हमारी राजकीय बचाने के लिए हम ये रिजाइन कर रहे हैं। तो आप अकेले हैं और आपके साथ? नहीं, मेरे साथ बहुत लोग जुड़ेंगे, मैं जब ज्वाइन होऊंगा एक्चुअली मैं बीजेपी ज्वाइन करने वाला हूँ, हम 24 घंटे में राजनीति करने वाला आदमी हूँ। अब कौन सी तो पार्टी खोना पड़े राजनीति करने के लिए, इसके लिए हम बीजेपी चुने सो है। जब भी मैं बीजेपी में ज्वाइन होऊंगा आज या कल होने के बाद, मैं मेरे पूरे दोस्त हैं पूरे तालुके में, हमारा नेटवर्क है, मैं शिव संग्राम संगठन बोल के 2005 में शुरू करा था, पूरा तालुके में हमारी 57 शाखा है, हमारे सब लोग दोस्त ये हैं, उनको सबको चर्चा करके सबको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीजेपी में लाके हम बीजेपी को जिताने की पूरी कोशिश करेंगे।